वो टारगेट बनाने वाले। गोली मार दी, जल्दी भागना भागना। जय श्री राम। गोली मार दी, जल्दी। बुलंदशहर में शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के परिवार वालों के अभी आंसू सूखे नहीं हैं, अभी उनके जख्म हरे के हरे हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे अभी भी फरार हैं। उनके आगे जैसे यूपी सरकार और पुलिस ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ आप झांकी दर्शन कर सकते हैं इनके। जी हाँ, ये सियाना क्षेत्र में गोकशी की वारदात के बाद भड़की हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या का आरोपी शेखर अग्रवाल है। सियाना में बीजेपी युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष है। पुलिस की फाइल में ये फरार है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये हाजिर है। मोबाइल घूम रहा है, वो वायरल हो रहा है। ये वीडियो यूपी के कानून व्यवस्था की हालत का बयान करने के लिए काफी है। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर का खून हुआ है। कहां तो खाकी वर्दी वाले अपने साथी के हथियारों को कब्र से भी खोद कर निकाल लाते, लेकिन यहां तो आरोपियों और पुलिस में आंख मिचौली चल रही है। आरोपी वीडियो पर वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, लेकिन पुलिस तंत्र और पुलिस के खुफिया तंत्र को इसका सुराग तक नहीं लग पा रहा। पुलिस की पहुंच से दूर ये आरोपी खुद को पाक साफ बता रहा है, जबकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को ही इस घटना का जिम्मेदार बता रहा है। जब मैं कल जा रहा था निकला हुआ, तब मैंने देखा कि कुछ लोग महाव के ग्राम में जंगलों में गाय की अवशेषों के लिए लेकर जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों के साथ वहां पहुंचा। मैंने वहां देखा गाय के माता के मृत अवशेष वहां पे पड़े हुए थे, जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर हम लोग लेकर चिंदरावटी पुलिस चौकी पर आने लगे। तो बीच में कोतवाल इंस्पेक्टर शहीद श्रीमान सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि ये ट्रैक्टर नहीं जाएगा। उप जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य शाना ने मुझ पर बातें करी। मैंने उन्हें बताया, कोतवाल साहब ने मुझे डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी कि तुझे गोली मार दूंगा और जो भी तेरे साथ आएगा सबको गोली मार दूंगा। मैंने अविनाश चंद्र मौर्य जी को बताया कि वो मुझे गोली मारने की कह रहे हैं। सारी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा है, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह भीड़ को समझा बुझाकर शांत करवाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा का ये नेता और इंस्पेक्टर की हत्या का आरोपी शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आप खुद सुनिए। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शाने का बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से यारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के हत्यारोपी शेखर अग्रवाल का वीडियो बाहर आया है। इससे पहले बुलंदशहर हत्याकांड के मास्टरमाइंड योगेश राज का वीडियो सामने आया था। जिस वक्त बुलंदशहर की घटना हुई थी, उस वक्त तो योगेश राज के चेहरे पर दाढ़ी मूछे थी, लेकिन वीडियो में वो बिल्कुल क्लीन शेव हो गया है, ईश्वर की दुहाई दे रहा है। पहली घटना सियाना के नजदीक गांव महाब में गौकशी की हुई, जिसकी सूचना पाकर मैं अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचा था। प्रशासनिक लोग भी वहां पर पहुंचे थे और मामले को शांत करके हम सब लोग अपने साथियों सहित सियाना थाने में अपना मुकदमा लिखाने आ गया था। थाने में बैठे बैठे जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त स्थल पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है और वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है और एक पुलिस वाले को भी गोली लगी है। जब हमारी मांग पूर्ण कर कर मुकदमा शाना थाने में लिखा जा रहा था, तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था, मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। तो आखिर कौन है योगेश राज और शेखर अग्रवाल जैसे लोगों का ईश्वर? कौन उन्हें बचा रहा है? जिस तरह से ये आजाद घूम रहे हैं, जिस तरह पुलिस की पकड़ से ये दूर हैं, जिस तरह ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, उससे तो कई सवाल पैदा हो रहे हैं। बुलंदशहर कांड के आरोपियों को कौन संरक्षण दे रहा है? बुलंदशहर कांड के आरोपियों के हौसले किसके दम पर इतने बुलंद हैं? शेखर अग्रवाल और योगेश राज को पुलिस आखिर अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाई? उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र आखिर इतना नाकाम कैसे हो गया? बुलंदशहर कांड के आरोपियों पर एक्शन को लेकर क्या पुलिस किसी दबाव में है? यूपी की योगी सरकार को बुलंदशहर कांड में साजिश की बू आ रही है तो सूबे के पुलिस के मुखिया भरोसा दिला रहे हैं कि कानून अपना काम बखूबी कर रहा है। बुलंदशहर की घटना जो है वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, एक लार्जर षड्यंत्र है और हम उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं जो जिससे षड्यंत्र को पर्दाफाश किया जा सके। ये केवल कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, वहाँ पे गोमांस कैसे आया, क्यों आया, वहाँ के उस स्थान को क्यों चयनित किया गया, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण ये हुआ, इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है कि जहाँ से शुरुआत हुई है उस शुरुआत को हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर का एक बड़ा मामला है, बहुत ही उच्च स्तर पर बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाएगी और उसकी जानकारी दी जाएगी। साजिश करने वाले हैं या बलवा करने वाले हैं या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने वाले हैं, ये सब का सब सामने आ जाएगा। यूपी के पुलिस योगी राज में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गई है, लेकिन ये पुलिस अपने ही साथी के हथियारों की तलाश करने में नाकाम हो रही है। देश इंस्पेक्टर की शहादत का इंसाफ मांग रहा है और खुद पुलिस महकमा अपराधियों के आगे बेबस होकर रह गया है। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर।